इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय सेठ श्री नत्थीलाल जी जायसवाल एवं माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती जैन जायसवाल की पुण्य स्मृति में श्री मनोज श्रीमती नेहा प्रज्ञम एवं राशि, श्री आशीष श्रीमती रोजी अर्चिशा धनिषा एवं परी जैन, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज गुरु भक्त समस्त जायसवाल परिवार इंदिरा विहार कोटा राजस्थान। भावना दिन की बेकार नहीं होगी, ये भावना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा, जे नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संभो सठावानन जय हो जय हो, अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव वसत् सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल शुद्ध होने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामिति। क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भरे इसे भूला, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना, चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निरपामिति। इस विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय मेला। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निरपामिति। इस क्षुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ, नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अभी और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामिति। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ राम, यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांत कार विनाशनाय दीपम निरपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाथ, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने।
ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निरपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर में मैं चिदानंद में लीन रहूं। पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिनके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निरपामिति। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पाजा यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्पण प्राप्ताय अर्घम निरपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भी। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निरपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। हमने पढ़ा था जब छोटे थे उस समय, किंतु वह पाठ एक प्रकार से अच्छे अच्छे व्यक्तियों के लिए भी प्रेरक हो सकता। एक तो कछुआ जिसको बोलते और खरगोश जिसको बोलते, खरगोश की गति तेज होती है, कछुए की गति तेज नहीं होती, तेज नहीं होती। ये तेजी एक प्रकार से अच्छी नहीं मानी जाती। ये बहुत तेज बोलते हैं, ये बहुत तेज चलते हैं आदि आदि, लेकिन फिर बाद में सो जाते हैं। निरंतर निरंतर जो चलता है उसके लिए कछुओं को चुना और ज़्यादा तेज भागता तो है लेकिन वह भूल भी जाता है, या यूं कह दो अभिमान में भी आ जाता है। उसके खरगोश के दोनों हाथ सामने के, या पैर कहो दो, हाथ के रूप में काम लेते हैं तो वो छोटे होते हैं और पीछे के दोनों पैर उसके उठे हुए का बड़े रहते हैं। ढलान के स्थान पर वह लुढ़कता है और चढ़ाव के स्थान पर वह
यूं छलांग लेता। उसी के कारण उसको बहुत जल्दी तेजी भागने वाला माना गया। सुनते हैं दोनों के बीच में कुछ संवाद हो गया, विसंवाद तो नहीं है, संवाद हो गया होगा। तुम इतने धीरे धीरे चलते हो, कब पार करोगे? बिल्कुल ठीक है, हम तो हमेशा आपको याद करके ही पार करेंगे। हम तो हमेशा आपको याद करेंगे और अपना काम करेंगे। देखेंगे चलो, तो वह रास्ता तय करना, इतना समय अपने पास इतना है। हाँ हाँ, आप भी तो साथ चलेंगे ना? हाँ हाँ, मैं भी साथ चलूँगा, लेकिन तुम्हारे से आगे ही जाऊँगा। ये बिल्कुल ठीक। तो चालू कर दिया और इसने भी अपना चालू कर दिया। चालू कर दिया, लेकिन कछुए को बहुत धैर्य था, आत्मविश्वास था और वह अपनी चाल से चलता गया और यह बार बार तेजी से चल करके बैठता भी रहा, विश्राम लेता भी रहा। किंतु उसका केवल मान था या मान लिया था, दोनों आसपास रहते हैं शब्द, किंतु मान था, मान लिया गया था। मान लिया चूंकि वह भावुकता में अज्ञान के कारण, कषाय के कारण, और उसका रूप दिखाना प्रदर्शन के लिए कारण बना। अंततो गत्वा चार पांच या आठ दस कदम रह गए, उस समय ऐसे कछुए ने अपना रूप दे दिया उसके सामने, और क्यों आप मेरे साथ देते रहे, इसलिए मैं आपके सामने आकर के खड़ा हो गया हूँ। कैसे कह रहे हो? तो आपने मान लिया था इस कछुए के छूना तो है ही नहीं, और चूंकि मैं एक मानी के सामने खड़ा था, इसलिए माना तो जीत तो हमारी है। मानी व्यक्ति के साथ कभी भी आप हार जीत की बात मत करो। इतना अवश्य है कि रावण और राम दोनों हैं, दोनों के पास है सब कुछ क्षमता, लेकिन कार्य विपरीत हो जाते हैं। यह छोटे बच्चों के लिए प्रेरणाप्रद कथा है और मैं कथा को कभी भी छोटे बच्चों के लिए लिखी जाती है ऐसा नहीं, ताकि वहाँ से वह प्रारंभ करे और जब वह अंत में भी पहुँच जाए
तब भी वह कथा याद आ सकती है और कान पकड़ करके कह सकती है कि तुम कछुए की सूबत क्यों छोड़ी, बताओ, और तुम खरगोश की ओर क्यों भागे, क्या मिला उससे? कुछ नहीं मिला। प्रत्युत हम और खर्च करते हैं और गलत धारणा बना देते हैं। मुझे कुछ नहीं होता, यह गलत धारणा, ऐसी धारणा बनाना नहीं चाहिए। कार्य होते हैं, करने से होते हैं, हाँ बिना ठाने नहीं होते, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन गलत ठान लिया तो वह कार्य हुआ लेकिन उल्टा हो गया। उल्टा होता है तो मिथ्या होता है, सुलटा होता है सही होता है तो सम्यक होता है। अब बीच बीच में मान को याद करना, मान को याद करने के अपेक्षा से मानी को याद करना, हमेशा हमेशा उनका अवपतन ही हुआ है। इसलिए हमें मानना है जिनवानी को, किंतु उसको जीवन की उन्नति का कारण मानना है। तो उन्नति का कारण मानना तो अपने आप ही सही दिशा की ओर आपके कदम बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि उन्नति का कारण कभी भी मान नहीं हो सकता। तीर्थंकर बैठे और घर में बैठे हैं, बैठे रहो, आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हाँ, आपसे पहले और किसी को मिल सकती है, लेकिन आपको तो जब तक घर में बैठे रहोगे मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? मैं तो ठेका ही लेकर के आया, ठेका तो नहीं ये, लेकिन ठेका का कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ खूब बड़े बड़े ठेके लेते हो, सुनते हैं आप हैं, लेकिन प्रारंभ का होता है वो कार्य, ये महत्वपूर्ण है। और एक बार प्रारंभ होता है तो उसको पूर्ण करने का संकल्प बार बार उसे प्रेरित करता रहता है कि यह समय इसके लिए नहीं, किंतु यह समय ड्राइवर है या क्लीनर है वगैरह, ये जब कभी भी स्टेशन या रोड पर गाड़ी खड़े करते हैं और बैठ करके पीना पीना नहीं, कुछ नहीं, खड़े हो करके ही, नहीं समझे, इधर उधर देखते हुए सुर्खी लेते रहते बैठते नहीं। हाँ, मतलब बैठना अनिवार्य नहीं, थोड़ा सा विश्राम लेना ठीक है, आवश्यक, लेकिन वह विश्राम में भी यही देखते रहते हैं कि हाँ चलना है। इस प्रकार हमें उस कछुए से बहुत बड़ा लाभ सीख मिल जाता है। अभी समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है, और 5 मिनट और हो ही गए ज़्यादा, देख लेंगे कल यदि हो जाए तो 5 की कटौती कर लेंगे आप लोग नहीं करते कभी कटौती करने से हानि होती है ऐसा तो मैं मानने नहीं दूंगा, क्योंकि देखो कछुआ, कछुआ जो है बिल्कुल, और खरगोश रह गया। इसी प्रकार चाहे वह
दादाजी हो चाहे पिताजी हो चाहे नाती हो, इन सब को अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपने जीवन में जो कार्य दिया गया है या लिया गया है या मिल गया है उसको बहुत ही लगनता के साथ, बहुत ही रुचि के साथ, बहुत ही निर्दोषता के साथ उसको करना और करते हुए जो इसमें पारंगत हुए हैं उनको स्मरण में लाते रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो भगवान वगैरह बन गए उनको स्मरण में इसलिए लाते हैं कि उन जैसे पद को मैं प्राप्त कर सकूँ। अहिंसा परमो धर्मः।